अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग में जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई डोंट व्लॉग फॉर। लोग निकले थे घर से आसिफ खान के साथ, लेकिन अभी जो है ना फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यूटम्स। और आज कोई क्लास वगैरह तो नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी हम नमूने नमूदार हुए हैं ब्यूटम्स में। अच्छा, सो आइए चलते हैं ब्यूटम्स के अंदर। कुछ सीन्स है एंड देयर आर मेनी थिंग्स मोर टू डिस्कवर, सो लेट्स गो ऑन आवर जर्नी। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताता चलूँ, आज जो है ना हम लोग जो है ना बिल्कुल ब्यूटम्स में अननोन होके घूम रहे, सो नोबडी नोज दैट वी आर स्टूडेंट्स ऑफ ब्यूटम्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज क्या होगा, आज ब्यूटम्स के स्टूडेंट्स पे होगा एक छोटा सा प्रैंक। हम लोग जो है ना मतलब जानबूझ के उनसे रास्ता पूछेंगे कि भाईजान लाइब्रेरी किस तरफ है, या फिर ऐसे ही कुछ प्रैंक्स करते चलेंगे हम लोग ब्यूटम्स के स्टूडेंट पे। सो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है, ब्यूटम्स के स्टूडेंट कितने ईमानदार निकलते हैं, क्या होता है। तो ये प्रैंक जो है मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, बट द थिंग वाज दैट के पहले उनको पता था, मतलब मैं इसे ट्राई करने के लिए किया जो कि बहुत ऑसम गुजरा। लेकिन नाउ लेट्स सी इन वीडियो के वीडियो में क्या होता है। ब्यूटम्स में हम लोगों ने बहुत प्रैंक्स करने की कोशिश की, लेकिन यार कोई भी प्रैंक काम नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि निकल रहे वापस यूनिवर्सिटी से, हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो भी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, तो चलते हैं अभी यूनिवर्सिटी से बाहर, अपने कार्स वगैरह उठाते हैं। न्यू एडमिशन का कोई प्रैंक काम नहीं आया, देखेंगे इंशाल्लाह आगे से अगर किसी प्रैंक ने काम किया इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग निकलते हैं, इन्होंने हमारे कार्ड्स भी ले लिए थे बिकॉज वी आर नॉट इन यूनिफॉर्म। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले अपने कार्ड्स उठाते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं और अभी हम लोग निकलेंगे, एक दफ़ा एक ऑफिस जाना है, उस ऑफिस के बाद जो है ना थोड़ा बहुत खाना पीना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद निकलते हैं और हमारे साथ मौजूद है आसिफ खान। आसिफ खान इधर देखिए जरा। यस। यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है बगैर क्लास लिए? बगैर क्लास लिए कसम से टेंशन फ्री है। तो जी अभी खाना हमारा पहुंच चुका है, देखते हैं रिव्यू लेते हैं। ये रहा इनका पुलाव और ये रही इनकी वाइट कढ़ाई जो कि दूर से ही मज़ेदार नज़र आ रही है, और ये रही इनकी बिरयानी वगैरह। तो आइए बस अभी खाने को एंजॉय कर। तो आ
आइए चेक करते हैं इनका सबसे पहले कढ़ाई। यार जबरदस्त बनाई है इन्होंने, बाकी चीज़ें भी इनकी बहुत ज़बरदस्त। वाइट कढ़ाई इनकी मैंने काफ़ी बार चेक की है, क्योंकि हमेशा एक बार से मतलब जब भी आती है ना। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब पहली दफा से और भी बहुत अच्छी होती है। तो जी अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक। तो यार व्लॉग तो हम लोगों ने और भी बहुत सारे कैप्चर करने थे, लेकिन ड्यू टू माय सुस्ती हम लोग व्लॉग कैप्चर नहीं कर पाए। तो आज हम लोग आए एक्चुअली क्वेटा क्लब के पोलो ग्राउंड, और हम लोगों को टाइम ही नहीं। साथ आज मौजूद है हमारे प्यारे से दोस्त आसिफ खान, प्रिंस आसिफ खान। प्रिंस आसिफ खान भाई क्या हाल है? जबरदस्त। उसके साथ है हमारे कलाम भाई। कलाम भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? और आसिफ खान आप सुनाए, क्या हाल अहवाल है, क्या हाल चाल है आपके? यार जबरदस्त मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। मौजूदा हम लोग जो है ये सियासत के बारे में सोच, थोड़ा जोर से बोले यार, सियासत के बारे में सोच रहे। अच्छा, समझ नहीं आ रहा की आजकल हमारा वजीर आजम कौन है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कलाम खान से पूछा, उसने कहा कि ये कैद आजम बाबा है। मैंने कहा कि कैद आजम ने पाकिस्तान आजाद किया, तो हमारे ये सियासत है। तो हम एक फिर किस चीज का टेंशन होगा? और एक बात और कहूँ, हम तीनों एक जगह है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जो खुश अल्लाह, क्यों किसी की जरूरत नहीं न सियासत करे न किसी चीज का टेंशन है। तो